तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि भाई वन यूआई 7 के अंदर यानी कि इस अपडेट के अंदर आपको क्या क्या नए नए इंप्रूवमेंट या फिर कुछ नए नए फीचर्स देखने मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले। अब तक जो अपडेट आ रही थी वन यूआई 4, 5, 6 वगैरह तो इसमें जो इंप्रूवमेंट है इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे विजुअल चेंजेस देखने मिलने वाले हैं जो कि आपको सच में बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे। और ये जो अपडेट रहेगी एंड्रॉयड 15 के साथ में रहने वाली है, यानी कि एंड्रॉयड 15 प्लस वन यूआई 7 का आपको अपडेट यहाँ पे कंबाइंड में देखने मिलेगा। यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है अभी यूआई के साथ में बहुत ही कमाल का रहेगा। अब ये जो अपडेट है ना इस महीने के यानी कि नवंबर के एंडिंग में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में आपको यहाँ पे इसका जो बीटा अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट होगा इनके फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन में, जैसे कि S23 सीरीज या फिर 24 सीरीज में आपको इनका बेटा अपडेट देखने मिलेगा। उसके एक डेढ़ महीने के बाद में यानी कि नए साल के 2025 में जनवरी या फिर फरवरी के महीने में आपको इसका स्टेबल अपडेट देखने मिलेगा। जो जो फोन इलिजिबल है उनमें आपको अपडेट देखने मिलेगा। अगर आपका फोन भी इलिजिबल है तो आपको भी अपडेट देखने मिल जाएगी। अब बात हम करें यहाँ पे कुछ नए फीचर्स या फिर इंप्रूवमेंट के बारे में, तो भी देखो इस बार यहाँ पे सैमसंग ने क्या किया है कि इसका जो आइकॉन पैक है ना उसको यहाँ पे बहुत हद तक चेंज किया है। यानी कि इनके जो डिफॉल्ट ऐप के आइकॉन रहते हैं जैसे कि सेटिंग हो, कैमरा हो या फिर मैसेज वगैरह हो या फिर गैलरी स्टोर हो या फिर गैलरी हो, तो इस बार इन आइकॉन को यहाँ पे सैमसंग ने किया है रीडिजाइन, जो कि आपको बहुत हद तक चेंज फील हो सकता है। तो स्टार्टिंग में जो आइकॉन पैक इसके लॉन्च इवेंट में सैमसंग ने बताए थे वो थोड़े अलग थे, लेकिन वो पब्लिक को पसंद नहीं आए। तो पब्लिक का फीडबैक लेने के बाद में यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे इसको चेंज किया गया। अभी फाइनल यहाँ पे कुछ अलग ही आपको देखने मिलेगा, लेकिन जो भी रहेगा वो अच्छा ही रहने वाला है। तो देखते आने के बाद में अभी क्या कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे इनके आइकॉन पैक में। अगला चेंज रहेगा इसके नोटिफिकेशन पैनल में। ओके, तो भाई यहाँ पे भी चेंज हुआ है। तो इस बार अभी आपको देखने मिलेगा इनकी टॉगल की जो साइज है ना उसको थोड़ा यहाँ पे छोटा कर दिया है, और यहाँ पे अभी पिल शेप आपको देखने मिलेगा जो वाईफाई टॉगल है या फिर बीटी टॉगल है। तो यहाँ पे जो भी टॉगल है उसको अभी पिल शेप में कर दिया है। नीचे अभी जो टॉगल का सेक्शन है वो भी छोटा कर दिया है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड टॉगल से देखने मिलेंगे 4 या फिर 8 के आसपास, और आपको यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर के नीचे ही वॉल्यूम स्लाइडर भी देखने मिलेगा अलग से। तो ये यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस इस बार देखने मिलते हैं इसके पैनल के अंदर। और यहाँ पे चेंज ऐसा भी है कि अभी आप अगर राइट से स्वाइप करोगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे पैनल यानी कि नोटिफिकेशन पैनल, और आप अगर लेफ्ट से स्वाइप डाउन करोगे तो आपको देखने मिलेगी ओनली नोटिफिकेशन। ये जो फीचर्स था ये वन यूआई 6 में भी आया था, लेकिन यहाँ पे क्या था, आप अगर राइट कॉर्नर से नीचे स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग पैनल देखने मिलेगा विदाउट नोटिफिकेशन। यानी कि राइट से स्वाइप करोगे तो आपको देखने मिलेगा ओनली क्विक सेटिंग पैनल, और लेफ्ट से करोगे तो यहाँ पे विद क्विक सेटिंग पैनल प्लस आपको यहाँ पे देखने मिलेगी नोटिफिकेशन भी। ओके, तो यहाँ पे मिक्स था। लेकिन अभी क्या है कि वन यूआई 7 के अंदर क्या है कि राइट साइड से करोगे तो ओनली आएगा आपको क्विक सेटिंग पैनल, लेफ्ट से नीचे स्वाइप डाउन करोगे तो आपको देखने मिलेगी ओनली नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग पैनल देखने नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली अलग अलग कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे खुला खुला या फिर ऐसे सेपरेट सा फील होगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। और जो क्विक सेटिंग पैनल के जो टॉगल्स वगैरह जैसे कि वाईफाई बीटी वगैरह या फिर जो भी है, तो आप उनको अभी एडिट करके ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकते हो, जो कि अब तक तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो आप यहाँ पे अभी वाईफाई का टॉगल हो या फिर बीटी का टॉगल हो या फिर ब्राइटनेस स्लाइडर हो या फिर जो भी आप यहाँ पे टॉगल वगैरह, आप उनको ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे अभी चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं, जो कि ऐसे आईफोन ने भी किया था कि आप यहाँ पे टॉगल ऊपर नीचे कर सकते हो, तो आप अभी इसके अंदर भी टॉगल को ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। तो इस बार आइकॉन पैक तो चेंज होने वाले हैं, साथ में जो क्विक सेटिंग पैनल है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जो सर्च बार है ना वो पहले यहाँ पे ऊपर आपको टॉप में देखने मिल रहा था, लेकिन अभी आपको नीचे देखने मिलेगा। तो वन हैंडेड यूज करने के हिसाब से बहुत ही सही ऑप्शन दिया है, तो अभी जो सर्च बार है आपको नीचे देखने मिलेगा। और जो रिसेंट ऐप है ना वो आपको कुछ ऐसे अभी देखने मिल रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट आपको वन यूआई 7 के बाद में ये स्टैक में देखने मिलेंगे। वैसे आपको अभी भी स्टैक में करना है तो आप गुड लॉक का यूज करके होम अप के अंदर जाने के बाद में इसको स्टैक में कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे गुड लॉक यूज करते नहीं या फिर आपके फोन में सपोर्ट है ही नहीं, बहुत से फोन में गुड लॉक का सपोर्ट नहीं रहता, तो आपको अभी बाय डिफॉल्ट वन यूआई 7 के साथ में डायरेक्टली ये स्टैक में देखने मिलेंगे। यानी कि आप जब भी रिसेंट ऐप में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टैक में इसका जो है वो इंटरफेस देखने मिलने वाला है। जो कैमरा ऐप की, तो भाई यहाँ पे भी बहुत सारे आपको चेंजेस देखने मिलेंगे इसके यूआई के अंदर। लेकिन अभी आप देखो तो यहाँ पे नीचे शटर बटन है उसके ऊपर आपको देखने मिलता है, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है, फोटो वगैरह आप ऊपर देख सकते हो अभी, लेकिन ये अभी नीचे आ जाएगा शटर बटन के नीचे, भी मोड वगैरह आपको नीचे देखने मिलेंगे। और यहाँ पे जो जूम इन जूम आउट का जो मोड है वो भी थोड़ा नीचे आ जाने वाला है। तो आप अगर वन हैंड से कैमरा यूज करते हो तो अभी इसको यूज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और भी बहुत सारे चेंजेस आपको कैमरा ऐप में देखने मिलने वाले हैं, जो कि अभी जो मुझे पता चला है वो आपको क्लियरली मैंने बता दिया।
और इस बार यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन भी चेंज होने वाला है, बहुत सी चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, ये तो बस शुरुआत है। तो भाई देखो यहाँ पे आप जब भी चार्जिंग लगाओगे तो आपको यहाँ पे पिल शेप में नीचे चार्जिंग का देखने मिलेगा एनिमेशन। साथ ही में जो बैटरी का जो आइकॉन यानी कि जो स्टेटस बार में आपको बैटरी देखने मिलती है जो कि वर्टिकली है इसका आइकॉन, तो अभी ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टली और ये भी आपको पिल शेप में अभी देखने मिलेगा। जैसे आपको चार्जिंग में देखने मिलेगा एनिमेशन पिल शेप में, तो यहाँ पे आप नीचे बाजू टाइमर, म्यूजिक प्लेयर, कॉल रिकॉर्डर वगैरह भी आपको यहाँ पे पिल शेप में नीचे जो है इसका एनिमेशन देखने मिलेगा। और हाँ, बात करें एनिमेशन की, तो भाई देखो अभी जो एनिमेशन है या फिर जो ट्रांजिशन है, तो अभी ये पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। तो स्मूदर एनिमेशन और बेटर ट्रांजिशन आपको देखने मिलेंगे इस बार के वन यूआई 7 के अंदर। और बताया तो ऐसे जा रहा है कि ये आईफोन तक के एनिमेशन को बीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंजेस कैसे कि भाई देखो यहाँ पे जो एनिमेशन है अभी बहुत हद तक स्मूदर हो चुके हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होने वाला है। तो जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का स्पीड है या फिर इसकी जो एनिमेशन है आपको पहले से बहुत ज़्यादा स्मूदर देखने मिलेंगे। यहाँ पे इनमें आपको बहुत ही कम से कम लैग और जिटर्स देखने मिलेंगे, जो कि पहले थोड़े बहुत यहाँ पे लैग जिटर्स आ रहे थे, लेकिन अभी ये स्मूदर तरीके से आपको फील होंगे। तो एक और स्टेप ऊपर लेके जाने के लिए सैमसंग ने गुडलॉक के अंदर होम अप मॉडल में बहुत सारे चेंजेस भी किए। अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अभी वन यूआई 7 का अपडेट करोगे तो एनिमेशन तो स्मूथ होने ही वाले, लेकिन अगर आपको एनिमेशन को अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं तो आपको बस गुडलॉक में जाकर के, होम अप में जाकर के यहाँ पे आप एनिमेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको चाहिए एनिमेशन या फिर ट्रांजिशन लाइक पिक्सल जैसे, यानी कि पिक्सल फोन जैसे, तो बस यहाँ पे सेट करो और आपके जो एनिमेशन है हो जाएंगे पिक्सल जैसे। या फिर आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो नॉर्मल या फिर फास्ट या फिर मीडियम, जो भी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, अब तक यहाँ पे एंड्रॉयड यूआई के अंदर अब तक किसी ने ऐसे फीचर्स आपको नहीं दिए। तो आप अपने हिसाब से अभी जो एनिमेशन है उसके स्पीड को या फिर सब कुछ बातें अभी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो इतने सारे चेंजेस यहाँ पे सैमसंग ने अपने यूआई में अभी इस बार कर दिए। और भी बहुत सारे चेंजेस है जो कि हमें पता नहीं है, तो जो जो कुछ पता था मैंने आपको क्लियरली बता दिया। जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं अपने फोन में इसको डेफिनेटली इंस्टॉल करने के बाद में आपको सबसे पहले इसका वीडियो देने वाला हूँ, जितने जल्दी हो सके मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो भाई क्या क्या नए नए फीचर्स है, क्या क्या इंप्रूवमेंट वगैरह, जो कुछ भी आपको मैं क्लियरली वीडियो देने वाला हूँ। जो कि मेरे पास में जो जो फोन है वो लगभग सभी फोन एलिजिबल है, तो जैसे अपडेट आती है तो आपको मैं डेफिनेटली वीडियो दूंगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं भी। आपको कैसे लगी अपडेट? अगर आप भी इस अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और आपको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो फिर आप बस डेफिनेटली खुश होकर के एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।